वेलकम टू बेस्ट सर्विसेज। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने प्लॉटर को किस तरीके से जो है कम्प्लीट रीसेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि आपने प्लॉटर के अंदर काफ़ी सारी मे भी हो सकता है कुछ सेटिंग वगैरह कर दी हो, कुछ चेंजेस किए हो, और अब आप चाहते हैं कि वो सारा जो है डिफॉल्ट वाली सेटिंग आ जाए मे भी किसी भी रीज़न से। तो कस्टमर्स कई बार क्या करते हैं कि अभी मैं होम पेज पे हूँ तो यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ जो एक रीसेट का ऑप्शन है, तो कई बार कस्टमर क्या करते हैं जस्ट इसको रीसेट को दबाते हैं तो उनको लगता है कि पूरा प्लॉटर रीसेट हो गया है, बट ये पूरा प्लॉटर रीसेट नहीं हुआ है। वो जस्ट क्या होता है कि आपका जो ब्लेड इस टाइम पे जहाँ पे है मे बी आपका ब्लेड कटिंग करते करते आगे आ गया हो और आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट होम पोजीशन पे जाए, तो आप उसको मैनुअली ना ले जाके बिल्कुल प्रिसाइजली वो अपने होम पोजीशन पे जाए। तो उसलिए हम क्या करते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप रीसेट को दबा दीजिए कुछ इस तरीके से तो वो जो है अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा, या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर बटन है उसको आप दो बार प्रेस कीजिए तो भी वो अपने होम पोजीशन पे चला जाएगा। बट इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि आप अपने प्लॉटर की पूरी कंप्लीट सेटिंग को किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। वो आपका वाईफाई, लैंग्वेज, सब कुछ जो है रीसेट हो जाएगा। तो कंप्लीट रीसेट के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो नीचे की तरफ आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, आपको इनमें से जाना है मी के अंदर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिस्टोर डिफॉल्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डू यू वांट टू रिस्टोर द पैरामीटर टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये इसकी पैरामीटर सेटिंग जो है, जैसे कि आपने पैरामीटर सेटिंग के अंदर जैसा आपने ये सारी सेटिंग्स जो भी करी होंगी, और सेटिंग नंबर टू भी होती है, तो इसमें आपने जो भी सेटिंग वगैरह करी होगी तो वो सारा जो है रिस्टोर हो जाएगा। सो अगर आपको कम्प्लीट रिस्टोर करना है तो आपको जो है इस तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा अपने प्लॉटर को।